सीरीज जीतने के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा ने टीम से तीन बड़े बदलाव करके बनाया खतरनाक प्लेइंग 11, जिसे देखकर इंग्लैंड की पूरी टीम अभी से थरथर कांपने लगा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पांचवें टेस्ट में भी केएल राहुल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दरअसल केएल राहुल दूसरे टेस्ट में चोटिल हो गए थे, लेकिन अभी तक वो फिट नहीं हो पाए। इसके चलते केएल राहुल पांचवा टेस्ट भी मिस करते हुए नजर आ रहे। ऐसे में पांचवें टेस्ट में नंबर 4 पर कौन खेलने वाला है, क्योंकि पिछले तीन मैचों से नंबर 4 पर खेलने वाले रजत पाटीदार बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवा टेस्ट मैच कब कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा, वही पर भारत की पूरी प्लेइंग 11। क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए 4 से 5 बड़े बदलाव करके बनाया खतरनाक प्लेइंग 11। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा ने रजत पाटीदार, मुकेश कुमार जैसे कई फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया। वहीं टीम से 3 से 4 बड़े बदलाव करके बनाया खतरनाक प्लेइंग 11। तो आखिरकार कैसा रहेगा इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा का बेहतरीन कैप्टन मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवा टेस्ट मैच 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच खेला जाएगा और ये मैच धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर इस मैच का टाइम सुबह 9:30 रहेगा। अगर इस मैच को आप टीवी में देखना चाहते हो तो कलर सिनेमा प्लस पर देख सकते हो। वहीं पर मोबाइल में बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपने अभी समझ गए होंगे भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवा टेस्ट मैच कब कहां और कितने बजे खेला जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवा टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर डेली इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है। बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11, तो ओपनिंग के तौर पर नंबर 1 रोहित शर्मा खेलने वाले। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा का भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते वो आते ही चौके चौके की बारिश लगा लेते। आप सबने तीसरे टेस्ट मैच में तो देखा होगा रोहित शर्मा कैसे 131 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल की मैच जिताया था। वही रोहित शर्मा काफी शानदार लय से कप्तान करके सीरीज भी जिताया और हम आशा करते हैं पांचवें टेस्ट में काफी शानदार लय से कप्तान करके बल्ले से शतक भी लगाएंगे। जबकि नंबर 2 पर खेलने वाले वैसे भी जयसवाल ने आते ही चौके चौके की झड़ी लगा लेते हैं। आपको बता दें कि वैसे भी जयसवाल ने दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाए थे। वहीं चौथे टेस्ट में 77 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल के मैच को जिताया था। जबकि नंबर 3 पर खेलने वाले शुभमन गिल, हालांकि शुभमन गिल पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट में सेंचुरी लगाए थे। वहीं चौथे टेस्ट में 91 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और हम आशा करते हैं पांचवा टेस्ट में भी शुभमन गिल वालों से शतक ठोकेंगे। ऐसे ही नंबर 4 पर खेलने वाले विराट कोहली, जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली की यहाँ पे टीम में एंट्री हुई है, क्योंकि रजत पाटीदार पिछले 3 मैचों से फ्लॉप साबित हो रहे। वहीं पर केएल राहुल अभी तक चोट के चलते टीम से बाहर हो, और देखा जाए तो विराट कोहली काफी शानदार से बल्लेबाजी करते वो कवर डाइव लगाने के लिए जाने जाते हैं। और हम आशा करते हैं पांचवा और आखिरी टेस्ट में विराट कोहली शतक लगाएंगे। ऐसे ही नंबर 5 पर खेलने वाले सरफराज खान ने तीसरे टेस्ट में डेब्यू करते हुए बैक टू डबल हाफ सेंचुरी लगाया था। हालांकि चौथे टेस्ट में सरफराज खान ने फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने पांचवे टेस्ट के लिए सरफराज खान को मौका दिया है और हम आशा करते हैं सरफराज खान पांचवे टेस्ट में काफी शानदार से बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे ही नंबर 6 पर खेलने वाले विकेट कीपर बैट्समैन ध्रुवल जोहल, जी हाँ दोस्तों, ध्रुवल जोहल चौथे टेस्ट में काफी शानदार लय से विकेट कीपरिंग किया था। वहीं पर महत्वपूर्ण पारी खेल के मैच को भी जिताया था और हम आशा करते हैं पांचवे टेस्ट में ध्रुवल जोहल काफी शानदार लय से विकेट कीपरिंग और बल्लेबाजी दोनों ही करेंगे। जबकि नंबर 7 पर खेलने वाले रविंद्र जडेजा, जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा आए दिन काफी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा तीसरे मैच में बल्ले से शतक लगाया था। वहीं पर गेंद से 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने थे और हम आशा करते पांचवा टेस्ट में रविंद्र जडेजा ऐसे ही काफी शानदार से प्रदर्शन करेंगे। जबकि नंबर 8 पर खेलने वाले रविचंद्र अश्विन, जी हाँ दोस्तों, रविचंद्र अश्विन भी काफी शानदार से बोलिंग करते हैं। रविचंद्र अश्विन ने इस सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए और हम आशा करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पांचवे टेस्ट में भी रविचंद्र अश्विन ने काफी शानदार से बोलिंग करके विकेट भी चटाएंगे। ऐसे ही नंबर 9 पर खेलने वाले कुलदीप यादव, जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव भी आए दिन काफी शानदार से बोलिंग करते हैं और विकेट भी चटाते हैं और हम आशा करते हैं कि पांचवा टेस्ट में कुलदीप यादव ने काफी शानदार से बॉलिंग करके विकेट भी चटाएंगे। जबकि नंबर 10 पर खेलने वाले जसप्रीत बुमराह, जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया था, लेकिन पांचवा टेस्ट में जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं। जसप्रीत बुमराह ने काफी शानदार से वर्कर डालकर लगभग हर मैच में 2-3 विकेट लेते हैं और हम आशा करेंगे पांचवे टेस्ट काफी शानदार से बॉलिंग करके विकेट भी चटाएंगे। तो फाइनली नंबर 11 पर खेलने वाले मोहम्मद सिराज, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज भी काफी
काफी शानदार से स्विमिंग कराते हुए विकेट भी चटाते। हालांकि कभी कभी मोहम्मद सिराज बुरी तरह पीट जाते हैं, लेकिन फिर भी कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज को मौका दिया है। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद सिराज पांचवें टेस्ट के लिए कितना विकेट लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपके क्या लगता है, क्या पांचवें टेस्ट भारत जीतेगा या इंग्लैंड? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।